राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका संतोष क्रिएटिव गार्डन में। ये देखिए कितना अच्छा मेरे रोज का रिजल्ट है, कितना अच्छा जो है वो पिटूनिया के अंदर जो मुझे रिजल्ट है वो देखने के लिए मिला है, कुछ थोड़ी सी केयर और फर्टिलाइजर के साथ में, जो कि मैंने पहले शेयर किया था। आप भी इसे यूज़ करके इनको काफ़ी अच्छे से ग्रो कर सकते हैं और ढेरों फ्लावर्स आप उनसे ले सकते हैं। इसके साथ ही आज आपके साथ में एक बहुत ही खूबसूरत सा लीफ प्लांट शेयर कर रही हूँ, जिसे आप छोटे बड़े हर एक तरीके के पोट में आप इसे ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लगता है और इसकी ढेरों वेराइटी आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। आप नर्सरीज पे जो हैं इसकी अलग अलग वेराइटी ले सकते हैं। मेरे पास इसकी केवल ये एक ही वेराइटी है जो नॉर्मल वाली है। इसमें एक गोल्डन वेराइटी भी आती है, एक थोड़ी हाइब्रिड वेराइटी आती है। उसकी जो लीव्स का जो शेप होता है वो थोड़ा अलग टाइप का होता है और देख के आप समझ ही गए होंगे ये है बोस्टन फर्न। काफ़ी खूबसूरत प्लांट है। थोड़ी सी अगर आप इसे केयर करें इस प्लांट की तो काफ़ी अच्छे से ये चलता है और सालों साल आपके गार्डन में बना रहता है। तो सबसे पहले तो देखिए, अगर इसकी सॉइल मिक्स की बात करूँ तो एक वेलड्रेन सॉइल मिक्स इसे चाहिए, जिसमें एक हिस्सा आपको खाद लेना है। कोई भी खाद आप ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट, किचन वेस्ट कंपोस्ट, जो भी आप यूज़ करते हैं वो। उसके बाद में आपको एक हिस्सा इसके अंदर रिवर सेंड का लेना है और एक हिस्सा आपको नॉर्मल गार्डन सॉइल का लेना है। जो हमारी मिट्टी है, सॉइल मिक्सर है, वो बिल्कुल वेल ड्रेन सॉइल मिक्सर होना चाहिए और उसके अंदर जो ये हमारा प्लांट है काफ़ी अच्छे से ग्रो करता है। वाटरिंग की बात करूँ तो देखिए, ये ऐसा प्लांट है जिसको ऐसा नहीं है आपने आज पानी दे दिया, फिर कल नहीं दिया, फिर परसों नहीं दिया, ऐसा इस प्लांट को पसंद नहीं है। इसको रेगुलर वाटरिंग पसंद है। अगर आप इसे रेगुलर देते हैं वाटर तो वो इसको है, अगर आप इसे एक दिन छोड़ के एक दिन देते हैं तो, यानी इसको एक क्रम में पानी पसंद है देना इस प्लांट को, तो ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता है। मैं इस प्लांट को जो है वो रेगुलर वाटरिंग करती हूँ। अभी जैसे सर्दी है, अभी बारिश भी हुई हुई थी तो काफ़ी इसकी मिट्टी जो है वो गीली है, तो मैं अभी इसको वाटर नहीं दे रही हूँ। बाकी मैं इसको रेगुलर वाटरिंग करती हूँ। चाय में इसको थोड़ा ही पानी देती हूँ लेकिन रेगुलर मैं इसकी वाटरिंग करती हूँ। तो आपको थोड़ा सा ये इसका ध्यान रखना है, वरना जो ये प्लांट है वो अच्छे से ग्रो नहीं करते हैं। अगर मैं इसकी सनलाइट रिक्वायरमेंट की बात करूँ तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसा है कि आप इसे ब्राइट लाइट में रखिए तब भी ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है, या फिर इसको मॉर्निंग की 1 से 2 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट, उससे ज़्यादा इसको सनलाइट नहीं देनी है। आप इसे इंडोर भी रख सकते हैं, जहां आप जैसे इसे खिड़की के पास में या कहीं ऐसी जगह जहां इसको जो है इनडायरेक्ट लेकिन ब्राइट सनलाइट जो है वो मिलती रहे, यानी ब्राइट लाइट इसको पूरे दिन मिलेगी तो ये बहुत अच्छे से इसके जो कलर्स हैं वो आपको नज़र आएंगे और बहुत ही अच्छे से ये प्लांट ग्रो करेगा। अब अगर इसकी फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट की बात करूँ तो देखिए, इससे जो नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र है वो काफ़ी पसंद है। आप इसे कंपोस्ट फीड कीजिए, वो इसकी सारी जो नीड होती है उनको कंप्लीट कर देता है। चाहे आप उनका कंपोस्ट लिक्विड फीड कीजिए और चाहे आप इसको जो सॉइल मिक्स के अंदर आप सॉलिड फॉर्म में भी इसको कंपोस्ट फीड कर सकते हैं, वो इसके लिए काफ़ी होता है। उसके अलावा आप इसको 2 से 3 महीने में लगभग पोट के अकॉर्डिंग बोन मील फीड कीजिए, उससे इस प्लांट की जो ग्रोथ है वो भी बहुत अच्छी रहेगी, प्लांट भी काफ़ी अच्छे से ग्रो करेगा और आपका जो प्लांट है वो हेल्दी बना रहेगा। अब अगर मैं इसकी प्रोपेगेशन की बात करूँ तो इसका जो प्रोपेगेशन है वो बहुत ही इजी है। जैसे ही ये देखिए, ये जो प्लांट है आपको मैं बताती हूँ, ये मेरा जो प्लांट है इसको मैंने प्रोपेगेट ही किया था, जो मेरा मेन प्लांट था उससे मैंने इसको अलग करके और ये वाला प्लांट जो है वो ग्रो किया था। स्टार्टिंग के अंदर आपको ऐसा लगेगा कि जो प्लांट है वो डाईबैक कर रहा है, क्योंकि जितनी ब्रांचेज आप लेंगे अलग करके, जितनी ब्रांचेज आप लेंगे उनमें से सारी जो ब्रांचेज होती हैं वो आपकी ग्रो नहीं करेगी, लेकिन धीरे धीरे जितनी ब्रांच ग्रो करेगी वो धीरे धीरे आपका प्लांट जो है हेल्दी हो जाएगा। ये देखिए, जैसे मेरा प्लांट है वो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल हेल्दी है। ये भी मैंने इसके प्रोपेगेशन से ही जो अलग करके ग्रो किया है, ये मेरा जो है वो मेन प्लांट है। ये देखिए, ये मेन प्लांट है ये वाला, तो इसके अंदर जो है और इसका जो ये बढ़ता रहता है। बेबी प्लांट्स देखिए जिस तरह, अभी तो बहुत ज़्यादा सर्दी है तो इसकी ये ब्रांचेज खराब हो गई है, वरना मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए,
आप इसको नीचे से देखिए, ये इस तरीके की जो ये ब्रांचेज हैं ये निकलती रहती है और ये लंबी बन जाती है, और इनसे जो है नए नए प्लांट आप ना बना सकते हैं। इससे ये बुशी होता जाता है धीरे धीरे, जब आपका जो प्लांट है वो पूरा फिल हो जाता है पोट, उसके बाद में आप उसे अलग कर लीजिए। अब ये मेरे, ये देखिए इनमें बहुत सारे ये निकले हुए थे, बहुत सारे ये जो बुशी सा बन रहा था, लेकिन ये विंटर की वजह से सारा खराब हो रहा है। तो आप जो है इसको हटा दीजिए, इनमें से जो भी ड्राई ब्रांचेज हो गई हैं उनको आप हटा दीजिए, और हटा के एकदम इसको क्लीन कर लीजिए। ये देखिए इस तरीके से ये जो ड्राई ब्रांचेज है ये इनको हटा देना है, और एकदम अच्छे से इसको क्लीन करके रखना है। अब जैसे ही थोड़ा स्प्रिंग का सीजन आएगा ये और भी अच्छे से ग्रो करेगा। अभी भी आप इनकी ग्रोथ देख ही रहे हैं, काफ़ी ग्रीन और काफ़ी अच्छी ग्रोथ है इनकी, और धीरे धीरे जब स्प्रिंग का सीजन आएगा उस वक्त आप इसको इस, जैसे मैं इस पोट में से निकाल के और इसको डिवाइड करूँगी, तब मैं आपके साथ में इसका वीडियो शेयर करूँगी। और आप ऐसे एक प्लांट से ढेरों प्लांट बना सकते हैं, और वो भी बहुत इजी में। बस इसका जो सबसे मेन ध्यान रखने की चीज़ होती है वो है इसकी वाटरिंग। वाटरिंग आप इसको इक्वल डेज पे कीजिए, अगर आप एक दिन छोड़ के करते हैं तो वैसे कीजिए, अगर आप इसको रेगुलर वाटरिंग करती है तो वैसे कीजिए। डायरेक्ट सनलाइट इसको ज़्यादा नहीं देनी है, सिर्फ 1 से 2 घंटे की, बाकी ये प्लांट आपके गार्डन में सालों साल बना रहेगा और बहुत ही खूबसूरत जो है ये प्लांट लगता है। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।